जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत मैं राजस्थान के नौरंगपुरा गांव में बाबा बूढ़वाले के मंदिर में यहां पर हूं। तो यहां पर कुछ कथा वाचन और अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में जो कथावाचक महाराज जो हैं हमारे साथ में हैं, अन्य जो प्रोग्राम था इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, किस तरीके से ये कार्यक्रम का आयोजन रहा और क्या क्या मतलब यहाँ पर किया गया है इसके उपलक्ष्य में। जी नमस्कार, सबसे पहले आपको जय श्री राम, जय गोविंद, जय गोपाल। जी पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं रणवीर भाई जी के नाम से जानते हैं। मैं वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ साथ में मैं ये सनातन धर्म का प्रचार, गाय माता की सेवा के लिए मैं नानी बाई का मायरा और श्री राम कथा का वाचन करता हूँ, अपने सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ और निःशुल्क करता हूँ। इसमें कोई एक रुपया भी नहीं लेता मैं। मेरे को 10 साल कथा करते हो गई जी, 10 साल में एक भी रुपया कथा मैं नहीं लेता हूँ। मतलब यहाँ पे जो प्रोग्राम आपकी तरफ से रखा गया वो निःशुल्क था? बिल्कुल निःशुल्क था जी जी। और क्या क्या किस तरीके से कितने दिन से ये तैयारियाँ चल रही है? ये 16 तारीख से भगवान राम जी की कथा यहाँ चल रही है और आज यहाँ कथा को विराम दिया गया है। उधर मेरे राम जी अयोध्या में अपने महल में विराज रहे हैं और यहाँ मेरे राम जी का राज तिलक करके आज नौरंगपुरा गांव में एक इतिहास रचा गया है कि उधर अयोध्या में हमारे राम जी विराजमान हुए और यहाँ हमारे राम जी का राज तिलक करके और बाबा बूढ़वाले बालाजी महाराज के प्रांगण में आज भगवान का राज तिलक किया गया जी। तो जो भी देशवासी अपने को देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देशवासियों को यही संदेश है, अपने सनातन धर्म में लगा रहें, गाय माता की सेवा करें और तो और हमारे जो परिवार में आजकल बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, पिताएं हैं, उनको बच्चे वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं, उनको संस्कार दिए जाएं ताकि बूढ़ी बूढ़ी माता पिता को वृद्ध आश्रम में नहीं जाना पड़े, गाय माता की सेवा की जाए। और गाय माता की जब सेवा करेंगे तो बच्चों में संस्कार आएंगे और संस्कार आएंगे तो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में नहीं भेजेंगे जी। अपना जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भारत का कहें सबसे बड़ा मंदिर बन गया है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में यह है कि 500 साल तक हम लोग इंतजार कर रहे थे, कई लाखों आदमियों ने अपने प्राणों की आहुति इस मंदिर के लिए दी। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे राम जी आज अयोध्या में हम अपने महल में विराजमान हुए हैं। इसके लिए यही है कि सबको सनातन धर्म के लिए लग जाना चाहिए और सबको भगवान राम जी की जय जयकार करनी चाहिए जी। सबसे पहले एक छोटा सा आप बताइएगा, अपना यहाँ पे जो कार्यक्रम था वो विधिवत किस तरीके से क्या क्या चरण रहे? हमारा ये कार्यक्रम राम जी की कथा का 16 तारीख से 7 दिन की यहाँ राम कथा की गई है। सबसे पहले राम कथा का महत्व, राम कथा क्यों सुननी चाहिए, राम जी के जन्म का कारण से राम जी ने इस पृथ्वी पर अवतार क्यों लिया जी। उसके बाद में राम जी की जो लीलाएं हैं, उसके बाद में राम जी का वनवास, उधर माँ सबरी से मिले हैं, कोल भीलों से राम जी मिले हैं। तो ये कथा हमको संदेश देती है कि यदि भगवान राम जी अपने भाई भरत के लिए और राज्य का त्याग करके 14 साल के लिए वनवास में जा सकते हैं तो क्या हम अपने हमारे भाई की देख रेख नहीं कर सकते, सहायता नहीं कर सकते जी। तो इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि माता कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए और पति पत्नी के संबंध कैसे होने चाहिए, ये हमें राम कथा सिखाती है जी। जी मतलब भगवान श्री राम का पूरा जीवन एक तरीके से उसके बारे में आपने बताया, किस तरीके से उनके चरण रहे, किस तरीके से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, इसके अलावा आप जो जनता अपने यहाँ पर है और यहाँ पर किस तरीके का अनुभव आप कर रहे हैं? बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है आज। एक तो सबसे बड़ा उत्सव तो ये है ना, आज हमारे राम जी 500-600 साल के बाद में अपने महल में विराजमान हो रहे हैं, उधर विराजमान हो रहे हैं और इधर आज ये नौरंगपुरा बूढ़वाला बालाजी धाम भी आज अयोध्या से कोई कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अवध यहीं पर आ गए आज। क्या बात है, क्या बात। तो इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भगवान श्री राम के जो मंदिर अभी बनने के बाद में यहाँ के लोगों को वहाँ जाने के लिए या किस तरीके से प्रेरित करेंगे आप लोगों को वहाँ जाने के लिए? कहेंगे कि जैसे समय मिले, टाइम मिले अपने जीवन में, तो एक बार जरूर जा करके भगवान राम जी के दर्शन करके वहाँ पर आएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं जी। बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? इसके अलावा यही है कि सनातन धर्म में लगे रहें
और बच्चों को ऐसे संस्कार दे करके चले जाएं ताकि बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करें, यही मेरा कहना है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, भगवान की कथा भी यही है जी, कि बच्चों में संस्कार आ जाए। जी, जैसा कि हम जानते भी हैं, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उसी के तहत उनके जीवन का पूरा मतलब एक तरीके से परिचय उनकी कथा में सुनाया जाता है, कैसे जन्म से लेकर उनका अंतिम जो चरण रहा उस तक का कार्यकाल किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन काल में कठिनाइयों को झेला और किस तरीके से लोग उनकी कथा को सुनकर प्रेरित होते हैं, संस्कारवान बनते हैं, ये सारी चीज़ें उनके जीवन परिचय उनकी राम कथा में हमें सुनने को मिलती है। अन्य जो भी पात्र हैं कहानी के कथा के, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो दरअसल में यहाँ का जो कार्यक्रम था इसके बारे में महाराज जी ने पूरी जानकारी दी, किस तरीके से ये आयोजन किया गया और कैसे पूरे देश में धूमधाम से आज हर छोटे बड़े मंदिर में इस तरीके के अपनी क्षमता अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुझे भी यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। निश्चित रूप से हम चाहेंगे, अगर आप सनातन को मानते हैं जानते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भगवान श्री राम के मंदिर में एक बार जीवन काल में जाना चाहिए और वहाँ के दर्शन करने चाहिए, ऐसी ही मैं उम्मीद करता हूँ। हर कोई चाहता भी है, हर किसी की होड़ भी लगी हुई थी, जैसे हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संदेश दिया था कि भैया ये जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसके बाद में आप यहाँ पर आएँ, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन की व्यवस्थाएँ हैं उनमें भी कोई दिक्कत आ सकती है इसके चलते। लेकिन अब तो हमें जो टाइम दिया गया उसके अनुसार, और ट्रेनें भी कुछ निःशुल्क हैं। रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, कोट वाले राम की, गौ माता की, तुलसी जी महाराज की, रामचंद्र माता की, जय जय श्री हरे हरे पहाड़े पार्वती पते, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरी माता आरती लेगी, आरती के बाद में महाप्रसाद का आनंद लेकर के आराम से पंगत में बैठ करके महाप्रसाद का आनंद लेंगी और फिर आनंद के साथ में अपने घर जाएंगे। ये व्यास पीठ से आशीर्वाद कि आपके घर में खुशियों की बरसात होती रहे और आपके घर में पुष्पों की तरह घर महका रहे। इसी के साथ में सुबह सलाम, जय श्री राम, जय गोविंद, जय गोपाल, श्री राम। भगवान श्री राम के जो भव्य मंदिर है अयोध्या में, उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमारे राजस्थान में यहाँ पर बाबा बूढ़ वाले के मंदिर में बहुत एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों की सहभागिता से एक भव्य आयोजन था। ये देख सकते हैं आप, महिलाएं जो हैं इस प्रोग्राम में बड़े धूमधाम से आयोजन का हिस्सा बनी और उसके बाद अभी आरती के बाद में व्यवस्था बनाए, व्यवस्था कोई भी यहाँ पर आया हुआ व्यक्ति बिना प्रसाद के नहीं जाए, सभी कार्यकर्ता ये ध्यान देंगे और जो संस्कार
तो जैसा कि भैया ये पूरा मतलब लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग था और रोमांचक भी था, क्योंकि निश्चित रूप से ही सनातन को जानने और मानने वालों के लिए आज से बड़ा कोई फंक्शन, बड़ा कोई त्यौहार नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। और इसी के चलते जैसा हमने देखा इस पूरे मतलब यहाँ पर प्रोग्राम का पूरा आयोजन किस तरीके से किया गया है, और यहाँ पर मतलब यहाँ के लोगों में बड़ा जोश है यार, उत्साह है कि आसपास के हजारों लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जैसा हम देख भी रहे हैं। और यहाँ पर एक तरफ मतलब प्रसाद वितरण का भी प्रोग्राम रखा गया है, मतलब जैसे कथा पूरी होती है उसके बाद जो भी श्रद्धालु या भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर अच्छे से मतलब आनंदित तरीके से मतलब उनको भोजन की व्यवस्था यहाँ पर करवाई गई है और वॉलेंटियर्स ही पूरा काम संभाल रहे हैं।